आप सभी का हारमोनियम के इस व्याख्यान प्रदर्शन में स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ आप सभी श्रोताओं का आभारी भी हूँ कि इस वीकडेज में आपने समय निकाला मेरे लिए, और साथ साथ इंडिया हैबिटेट सेंटर का भी आभारी हूँ कि बहुत साल यहाँ करीब करीब 2004 से संगत के लिए याद करते थे, आज पहली बार उन्होंने एकल वादन और कुछ हारमोनियम के ऊपर बात करने के लिए उन्होंने बुलाया है। तो उनका हारमोनियम के बारे में, इसके इन्वेंशन और इसकी खोज कब हुई, कहाँ हुई, काफ़ी जानकारी आपको गूगल बाबा के माध्यम से इंटरनेट पर मिल जाएगी और मिलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हम लोग प्रायोगिक तौर पर इकट्ठा करते हैं, महसूस करते हैं, उसको आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगा, बात करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं शुरुआत कुछ संगीत से करना चाहूँगा, और उसके लिए आज मैंने राग यमन को चुना है। वैसे भी बोलने का अभ्यास कम ही रहता है, कभी कभी बोलना पड़ता है, तो ज़्यादा संगीत करूँगा, कम बात करूँगा, ऐसा मेरा प्लान है। लेकिन आप लोगों से बात करते करते कैसा होने वाला है ये मुझे नहीं पता है। नहीं तो आप सभी का स्वागत है, और मैं राग यमन से एक संक्षिप्त आलाप और जोड़ से शुरू करके फिर मध्य लय ताल में कद बजाऊँगा, फिर द्रुत तीन ताल। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरे साथ तबले पर पंडित विनोद लेले जी समय निकाला है, और मेरे भी आए, और तानपुरा पर विवेक भोला जी गंधर्व महाविद्यालय से बहुत ही अच्छे गायक भी शिक्षक हैं, पंडित मधु कुंतल जी के निर्देशन में गुरु शिष्य परंपरा में गायन सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, मैं इनके साथ भी बजा चुका हूँ एक दो बार, तो इनकी भी कृपा है कि आज मेरे लिए आए हैं।